आसिम रियाज और जैकलिन फर्नांडिस एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब से इन दोनों का गाना आया मेरे अंगने में, उससे पहले ही ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, क्योंकि शूटिंग में इन दोनों ने बहुत ही अच्छे समय गुजारा एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान गए, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स हो गए। और ये सिर्फ उस गाने तक के लिए नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए अच्छा दोस्त बन गए हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि रिसेंटली ही एक इंटरव्यू देते हुए जैकलिन फर्नांडिस ने एक बहुत ही बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि कुछ ही दिन पहले की ये बात है जब जैकलिन फर्नांडिस एक इंटरव्यू में ये बात कहती हुई नज़र आती है कि मैं और आसिम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, उनके साथ काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अगर वो अपने जीवन में ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो बहुत ऊँचे जाएंगे और उनका नाम जो है बहुत ही बड़े बड़े अक्षर में, सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा बॉलीवुड में। ये सारी बातें जो जैकलिन फर्नांडिस है उन्होंने कही आसिम रियाज के बारे में। वहीं अगर बात करें आप लोगों को तो एक जो सवाल अभी सुर्खियां बटोर रही है, तो वहां पर जो पत्रकार थे उन्होंने पूछा जैकलिन को कि क्या भविष्य में आसिम रियाज के साथ जो है फिल्म करना चाहेंगे बॉलीवुड फिल्म, तो वहां पर क्या होता है जैकलिन फर्नांडिस ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं और फटाक से कह देते हैं हाँ क्यों नहीं, अगर हमें दोनों को जो है एक साथ अप्रोच किया गया तो हम जो है ज़रूर काम करना चाहेंगे और जल्द से जल्द काम करना चाहेंगे एक दूसरे के साथ। तो कहीं ना कहीं आसिम और जैकलिन अब एक दूसरे के साथ ऐसे फ्रेंडशिप हो गई है एक दोनों की कि वो दोनों जो है एक दूसरे के साथ फिल्म करने के लिए भी तैयार हो गई है। वो भी जैकलिन फर्नांडिस की तरफ से ऐसी बात आई कि हाँ मैं क्यों नहीं करूँगी, तो ये बात जो है आसिम रियाज के लिए बहुत बड़ी होती है, क्योंकि आसिम रियाज जो अभी बॉलीवुड में अपना जो है आगे बढ़ना चाह रहा है, अपना नाम करना चाह रहा है, उसको जो है जैकलिन फर्नांडिस फिल्म करने के लिए तैयार है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात होती है। और आप लोगों को बता दूं कि इसी के साथ प्रोड्यूसर्स को भी ये जो है अब पता चल गया है कि आसिम और जैकलिन एक दूसरे के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो लोग जो है ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि उन दोनों का जो सॉन्ग आया था मेरे अंगने में वो कितना ज़्यादा हिट हुआ है ये तो किसी की बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसिम और जैकलिन को एक साथ बहुत जल्द हम बॉलीवुड फिल्म में भी देखें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आसिम रियाज को, जैकलिन फर्नांडिस को। इस पर आपका क्या है कहना हमें कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आगे नए अपडेट के साथ, बने रहे एएमए नेटवर्क पर।